सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ 20,000 रुपये के बजट में आने वाले टॉप 3 बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये सभी स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इन स्मार्टफोन के अंदर में आपको एमोलेड वाली बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 64 मेगापिक्सल का हाई क्वालिटी वाला कैमरा मिलने वाला है, गेमिंग करने के लिए आपको बढ़िया प्रोसेसर मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है और बड़ी बैटरी मिलने वाली है। और ये सभी स्मार्टफोन आपको 20,000 रुपये के अंदर में देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप इन सभी फ़ोन्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को पहले नंबर के स्मार्टफोन से। जो पहले नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो है रियलमी का 9 Pro 5G। तो बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन से। तो फोन के अंदर में आपको मिल जाती है 6.6 इंच की FHD+IPS LCD वाली बड़ी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 240Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगर आप इसके अंदर मूवी वॉच करते हैं या तो गेमिंग करते हैं तो आपको जो टच रिस्पॉन्स मिलने वाला है काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिलने वाला है, एंड आपको कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल ये डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलने वाली है। तो बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो फोन के अंदर में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये प्रोसेसर 6nm पर बेस्ड है, तो प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर में आप मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग काफी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की फीचर्स की। तो फोन के अंदर में आपको UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट मिल जाता है, डुअल 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इस फोन में आपको 5 अलग 5G बैंड्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको नेटवर्क इशू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की। तो फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, जिसकी मदद से आप 1080 की वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरे की। तो फोन के अंदर में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से भी आप 1080 की वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोनों ही कैमरे आपको काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। तो फोन के अंदर में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और 33W का फास्ट चार्जर। ये स्मार्टफोन आपको 1 डे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। तो फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की। तो यह फोन आपको 6+128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 17,999 का देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की। जो सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन आता है वो है पोको का X4 Pro 5G स्मार्टफोन। ये वाला स्मार्टफोन आपको 19,000 रुपये के अंडर में देखने को मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन से। तो फोन के अंदर में आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की FHD+ सुपर एमोलेड वाली बड़ी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके अंदर से जो कलर्स निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, एंड फोन में आपको 360Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है, जिससे डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाली है और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आपको आउटडोर कंडीशन में यूज करने पर फोन में कोई भी प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलने वाली। तो ओवरऑल ये डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो फोन के अंदर में आपको स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 6nm पर बेस्ड है। यह प्रोसेसर काफी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आता है। इसके अंदर में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके अंदर गेमिंग करते हैं तो आपको हीटिंग्स वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। तो ये प्रोसेसर आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अब बात लेते हैं इस फोन की फीचर्स की। तो फोन के अंदर में आपको UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, MIUI 12 बेस्ड एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाता है एंड साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की। तो फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, इसकी मदद से आप 1080 की वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से भी आप 1080 की वीडियोस को 30fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो दोनों ही कैमरे आपको काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो फोन के अंदर में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और 67W का फास्ट चार्जर। ये स्मार्टफोन आपको 1 डे से ज्यादा का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा, एंड फोन को फुल चार्ज होने में आपको 45 मिनट लगने वाले हैं। तो काफी ज्यादा फोन फास्ट चार्ज होने वाला है। तो फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस की। तो ये फोन आपको 6+64GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 18,999 का देखने को मिल जाता है, एंड आपको 6+128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 19,999 का मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के फाइनल कंक्लूजन की। अगर आपको एक बढ़िया डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए एंड बढ़िया कैमरा चाहिए और साथ में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए, तो ये वाला स्मार्टफोन आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं लिस्ट के तीसरे नंबर वाले स्मार्टफोन की। ये वाला स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, जिन्हें एक वीडियोग्राफी या तो फोटोग्राफी के लिए एक स्मार्टफोन चाहिए, बढ़िया डिस्प्ले चाहिए। तो ये वाला स्मार्टफोन उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, जिसका नाम है रेडमी नोट 11 Pro+5G। तो बात कर लेते हैं इस फोन की भी स्पेसिफिकेशन से। तो फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की FHD+ सुपर एमोलेड वाली बड़ी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आती है और 360Hz का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है।
है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो फोन के अंदर में आपको मिल जाता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 5G प्रोसेसर एंड 6 nm पर बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आता है। आपको 7 अलग अलग 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है। आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड बात कर लेते हैं इस फोन की फीचर्स की। तो फोन के अंदर में आपको साइड माउंट होने वाला फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, UFS 2.2 का फास्ट स्टोरेज टाइप मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 पर वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है, डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे की। तो फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। आप इसकी मदद से 1080 की वीडियोस को 30 fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, आप इसकी मदद से भी 1080 की वीडियोस को 30 fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है, बट वीडियो रिकॉर्डिंग का ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी की। तो फोन के अंदर में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 67W का फास्ट चार्जर। ये स्मार्टफोन आपको वन डे का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा, एंड फोन को फुल चार्ज होने में 45 मिनट लगने वाले हैं, तो काफी ज्यादा स्मार्टफोन फास्ट चार्ज होने वाला है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की भी फाइनल प्राइस की। तो ये फोन आपको 6+128GB स्टोरेज वाला वेरियंट आपको 20,990 का देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं पोको के X4 Pro 5G वाले स्मार्टफोन को बाय करता। बस इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर।